बटर बादामी हांडी, यानी इसमें मक्खन होगा, बादाम होगा। तैयार होगा भाई सूप, रेडी मेरे नहीं है सूप, यानी कि हॉट एंड सॉट हमारा सूप बन रहा है। मटन रिब्स है, ओए होए होए, ये हमारी मलाई बोटी है, अदरक कबाब, चुलू कबाब, चाइनीज राइस, सिजलिंग कबाब। ये मेन्यू की वैरायटी आप माशाल्लाह चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त ये ऑर्डर निकलते जा रहे हैं यार, ये आप चेक करें यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जिया तबारक और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके नॉर्थ नामाबाद में, और हम आए हैं यहाँ पे तंदूर रेस्टोरेंट के ऊपर, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। और मौसम के हिसाब से कुछ सी फूड की एंट्री भी हुई है इनके अलग-अलग मेन्यू में। वैसे इनका जो हाई टी और लंच बुफे है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इनकी यूनिक आइटम ट्राई करेंगे इनके मेन्यू में से। बारबेक्यू, कॉन्टिनेंटल डिशेज़, काफ़ी सारा इनका मेन्यू है, तो ज़रा अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और मज़े मज़े की चीज़ें टेस्ट करते हैं। तो फिर तंदूर चले। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? फर्स्ट फ्लोर या रूफ टॉप? रूफ टॉप चले जी, रूफ टॉप पर चलते हैं। लिफ्ट भी है यहाँ पे, लेकिन हम ज़रा स्टेज से चलते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक डाइनिंग सेटअप है, पूरा एयर कंडीशन्ड हॉल है ये। अभी तो खैर सर्दी है, लेकिन जब रश पड़ जाता है तो लोग यहाँ पे भी डाइनिंग करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। हम जाएंगे रूफ टॉप पे। ये है भाई रूफ टॉप, भाई बहुत ही ज़बरदस्त एम्बियंस है। ख़ास तौर पे मुझे रूफ टॉप जो है ना वो तो बहुत ही पसंद है। और यहीं पर किचन है, मज़ेदार खुशबुएँ आ रही हैं, ज़रा चेक करते हैं क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। इमरान जो है वो मैनेजर है तंदूर के भाई, और जब भी मैं आया हूँ बड़ी अच्छी इन्होंने सर्विस दी है यहाँ पे। मेन्यू आपका मुझे ज़रा दिखाया, आज क्या हम ट्राई करेंगे? मेन्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा मेन्यू है। अच्छा, क्यूआर कोड के ऊपर मेन्यू है हमारा, मेन जो डाइनिंग का मेन्यू क्यूआर कोड पे। ज़बरदस्त भाई, क्यूआर कोड के ऊपर मेन्यू है और मेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ें। पहले एपेटाइज़र हम ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल में सूप्स में यहाँ पे कॉर्न सूप है, हॉट एंड सॉर है, शेजवान भी है। तो हॉट एंड सॉर सूप और एपेटाइजर में क्या होना चाहिए भाई? हॉट एंड सॉर सूप आपको सर्व करवा देंगे, इसके अलावा आपको चिकन लॉलीपॉप। चिकन लॉलीपॉप भले मज़े वाले, रिकमेंडेड रिकमेंडेड। चलो भाई लॉलीपॉप और सूप ट्राई करते हैं। पहले किचन में जा सकते हैं? चलो ज़रा किचन भी देख लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। आपका नाम क्या है? औरंगजेब। औरंगजेब भाई जो है वो हेड शेफ है यहाँ पे, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सीन बना हुआ है। एपेटाइज़र पहले हम ज़रा लॉलीपॉप और सूप देख लें। क्या नाम है भैया ना आपका? गुल खान। जब खान आ गया तो भाई कढ़ाई तो भाई खान की आज की अच्छी होती है। गुल खान बना रहे जबरदस्त की कढ़ाई। कौन सी कढ़ाई है ये? पेशावर है ये? आप पेशावर की हो? भाई कढ़ाई हो तो पेशावर की हो। यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे ये क्लब सैंडविच, बहुत ही आला लग रहा है भाई ये क्लब सैंडविच। ये है भाई हमारे लॉलीपॉप जो हाफ डन हुए हुए, अभी हम इसको फ्राई करने के लिए डाल रहे हैं। चाइनीज़ का सेक्शन है यहाँ पे, चाइनीज़ वाइनीज़ सारे तैयार हो रहे हैं। सूप हमारा क्या? अच्छा फ्रेश बनेगा अभी? ओ अभी तैयार होगा भाई सूप, रेडी मेड नहीं है सूप, यानी कि हॉट एंड सॉर्ट हमारा सूप बन रहा है। ये चीज़ हॉट एंड सॉल्ट सूप जो है ना बड़ा फ्रेश फ्रेश यहाँ पे तैयार हो रहा है भाई। टेक्निकल रेसिपी लग रही है मुझे इसकी है जी। अच्छा इसमें सिर्फ चिकन है? चिकन है, वेजिटेबल्स हैं जो हमारे शेजवान है, उसमें ब्राउन होते हैं, बीफ होते हैं, चिकन होते हैं, इसमें चिकन और वेजिटेबल होते हैं। ओके ये तैयार हो गया भाई हमारा सूप और लॉलीपॉप जो है ना वो रेडी हो गया है। वो हम ज़रा ट्राई करते हैं, उसके बाद वापस किचन में आएंगे, क्योंकि जो मेन कोर्स है ना वो बहुत ही आला होने वाला है। ये आ गए हमारे लॉलीपॉप और क्रैकर्स, सूप, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है भाई। और सबसे पहले तो भाई मैं ये ट्राई करूँगा चिकन लॉलीपॉप्स, बहुत ही क्रिस्पी सा टेक्सचर लग रहा है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन विंग्स हैं,
ऊपर से कोटिंग हुई हुई है इसके, बहुत मज़ेदार सी, और अंदर तक मैरिनेशन है, हल्का सा स्पाइसी सा टच है इसका लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से जूसी है, और ये एक सॉस भी इन्होंने दिया हुआ है, इसमें से डिप करके देखते हैं। केचप नहीं है ये, डिफरेंट तरह का सॉस है लेकिन स्वीट है। और जब ये हल्के से स्पाइसी विंग्स आप इस थोड़े से स्वीट सॉस के साथ डिप करके खा रहे ना, तो लाजवाब टेस्ट आ रहा है भाई। मज़ेदार कॉटन सॉस सूप टेस्ट करते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि बिल्कुल अभी बिल्कुल फ्रेश बना है ये, रेडीमेड रखा हुआ नहीं है, और वेजिटेबल्स है काफ़ी सारी। क्या बात है, हॉट एंड सॉर तो फिर हॉट एंड सॉर है ना भाई, बहुत ही मज़ेदार, हॉट भी है सॉर भी है, जैसा नाम है वैसा सूप है। और अच्छी बात ये लगी मुझे कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं है ये, गरम गरम मज़ेदार ठंड के माहौल में, क्या बात है। फिश क्रैकर से टेस्ट करते हैं भाई। ये जो हॉट एंड सॉर सूप है ये है 395 का, और बाकी जो सारी प्राइसेस हैं वो आप QR कोड स्कैन करके चेक कर सकते हैं। QR कोड इनके वेबसाइट पे भी है, इनके फेसबुक पेज पे भी है, वहाँ पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये सूप फिनिश करते हैं और फिर मेन कोर्स की तरफ जाते हैं। बहुत आला, पूरा के ऑर्डर आए हुए भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो एक ना, दो चिकन थे, दो प्राउन थे, दो दो बारबेक्यू प्लेटर जा रहे हैं। और वहाँ पे जो है ना, मुझको कुछ नज़र आ रही है फिश वगैरह। और भाई कैसे हैं सेंटे? यहाँ पे ये रेड स्टेपर है, मुश्का है, नाम के साथ टैगिंग हुई भी है, कौन फिश है, पापलेट है। पापलेट जो है ना वो मेरी फेवरेट है, क्योंकि उसके अंदर होता है एक कांटा। क्या हिसाब है पापलेट? ये 2290 रुपये, 2290 रुपये किलो। अच्छा माशाल्लाह, क्योंकि पापलेट वाइट पापलेट थोड़ी सी होती भी है और एक्सपेंसिव है। और प्रॉन्स क्या हिसाब है? 1495। 1400 ग्रिल लें या फ्राइड लें? तो पापलेट और प्रॉन तो मुझको ग्रिल, और मैंने वो भी देखे हैं आपके, बट जो है ना अभी ये टेम्पूरा वो तो प्रॉन का तो मैं सही है सर, तो ये तो हमें करना ही है। बाकी जो है ना वो हम जरा बारबेक्यू वगैरह जरा चल के दिखाएं ना हमें। चले जी, औरंगजेब जो हेड शेफ है उनके साथ हम जरा किचन को एक्सप्लोर करते हैं मजीद। यहाँ पे ये भाई ऑर्डर जाते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, अभी जो है ना वो रश आवर हो गया है। ये देखें आप, ये जो है ये क्या मंडी है क्या? मटन रिब्स। मटन रिब्स है, ओए होए होए, ये भाई मटन रिब्स। और वो क्या है? 257। ये हमारी मलाई बोटी है, ये क्या है? ये अदना कबाब है। अदना कबाब, और ये चुलू कबाब, चाइनीज राइस, और ये सिज़लिंग कबाब। भाई क्या ये मेन्यू की वैरायटी है, माशाल्लाह चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त ये ऑर्डर निकलते जा रहे हैं। ये बारबेक्यू का सीन है औरंगजेब भाई। जी सर, चलें जरा हमें क्या रिकमेंड करते हैं आप, हम क्या ट्राई करें? चिकन सिज़लिंग कबाब है हमारे पास। चिकन सिज़लिंग कबाब जी, और इसके अलावा मटन हंसाई कबाब है। कबाब तो खैर काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं मुझे, चिकन सिज़लिंग कबाब रिकमेंडेड है। ये भी गए पीछे में। जी सर, ये कौन सी है भाई? अंगारा। अंगारा है ये। अच्छा, ये ज़रा स्पाइसी लग रही है मुझे, क्योंकि जो है ना फुल रेड हो रही है, अभी पकी नहीं है लेकिन अभी भी जो है ना ये रेड अंगारा लग रही है। और इसके अंदर ये प्याज और शिमला मिर्च टमाटर ये भी इसके अंदर ये इसके साथ लगाए जा रहे हैं। गुड यार, क्या ये तंदूर सिजलिंग कबाब? तंदूर सिजलिंग कबाब, ये सिजलिंग प्लेटर में सर्व होता है ना? ये जो सब्जी होती है इसके अंदर वेजिटेबल होती है, अनियन कैप्सिकम अनियन टमाटो वगैरह होते हैं, बेल पेपर होते हैं, और मसाले वगैरह डाल के इसको टोस्ट किया जाता है और फिर सीजनर में सर्व करते हैं। ओके, स्टाइल है कबाब बनाने का भी ये है। और ये वाले कौन से कबाब रखे हुए? हुमजई कबाब मटन जी। ये है भाई हुमजई कबाब, तो चुल्लू के अंदर और इसके अंदर सिर्फ कबाब का डिफरेंस है? नहीं, इसमें स्पाइस का भी डिफरेंस होता है। चुल्लू में स्पाइस नहीं होते हैं उस लेवल के जिस तरह मटन हंसाई में होते हैं, क्योंकि चुल्लू थोड़ा ईरानी डिश है इसलिए उसमें स्पाइस का इतना ज़्यादा अमल दमल नहीं होता, सिवाय सॉल्ट और थोड़ी बहुत चिल्ली का इस्तेमाल होता है एज़ पर पाकिस्तानी टेस्ट। हंसाई थोड़ा स्पाइसी है, थोड़ा स्पाइसी है। ये आ गए भाई कबाब ग्रिल पे, ये हमारा ही ऑर्डर है ना। ये
पास्ता तैयार हो रहा है यहाँ पे। ये स्टेक है मेरे ख्याल में जी। ये स्टेक ग्रिल हो रहा है यहाँ पे, चिकन ग्रिल हो रही है। बहुत ही अलग ही माहौल बना हुआ है भाई यहाँ पे। ये बन रहा है भाई प्रॉन टेम्पुरा। यहाँ पे भाई ये कढ़ाई का सेक्शन है जबरदस्त। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल डिशेज बन रही है, ये कढ़ाई है, चाइनीज है, बारबेक्यू है, तरह तरह के यहाँ पे जबरदस्त चीजें हैं। और हमारी हांडी है, कौन सी वाली हांडी रिकमेंडेड है? बटर बादामी। बटर बादामी ये चिकन में? चिकन में बोनलेस बटर बादामी हांडी। इसमें क्या क्या डलता है गुलखन? है गरीबी जाएगा, क्रीम जाएगा, दूध जाएगा, क्रीम दूध, क्रीम दूध में मक्खन होगा, बादाम होगा, मसाले जाएगा, मसाले मसाले वो बताने के लिए होते, बताने के लिए होते मसाले। बटर बादामी हांडी में ये डल रहा है अभी, ये बटर, और उसके बाद इसके ऊपर आएगी ये बादाम की टॉपिंग। गुलखन भाई ये बताओ कि ये कच्चा बादाम है कि पक्का बादाम है? पका हुआ है। वो कच्चा बादाम सुना है तुमने गाना है? ये आ गई धनिया की टॉपिंग, फिर ये आ गई अदरक। ये फिश के ऊपर मसाला लगा रहे हैं भाई। स्पाइसी हो गई फिश? जी जी सर। ये हमारे प्रॉन्स भी यहाँ पे ग्रिल हो रहे हैं, फिश भी हमारी ग्रिल हो रही है, बाकी सारी चीज़ें हमारी रेडी हो रही हैं। क्या बात है। ये हमारा पिंक सॉस पास्ता है भाई, इसके अंदर ये चिकन का बेस्ट पीस है, साथ में ये मेरे ख्याल एक गार्लिक ब्रेड है शायद, और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है देखने के अंदर ही। ये है भाई तंदूर सिज़लिंग कबाब। अभी ये ग्रिल तो हो गया है, अब प्याज और ये जो सारी चीज़ें हैं इसके साथ इसको हॉट प्लेट के ऊपर सिज़ल करके जो है वो सर्व किया जाएगा। उससे पहले हम इसको फ्राई पैन में थोड़ा टोस्ट करेंगे बटर, और थोड़े स्पाइस डाल के इसको टेस्ट देंगे, उसके बाद ये सिल्वर में डाला जाएगा। अच्छा हो गया भाई, खाना हमारा सर्व होना शुरू हो गया है। ओह भाई क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, खाना हमारा आ गया है, और ये खाना इतना खूबसूरत लग रहा है ना देखने में कि इसको खाने का दिल नहीं चाह रहा। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे लिए मेन्यू में सर्व की गई हैं। ऑब्वियसली मैं सारा तो नहीं खा सकता, हमारी टीम जो है वो भी साथ साथ खाएगी, लेकिन बिस्मिल्लाह मैं करता हूँ भाई। और सबसे पहले मैं ये ग्रिल प्रॉन जो है ना इनको ट्राई करूँगा। प्रॉन्स का मैं बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ भाई, और ये बारबेक्यू ग्रिल प्रॉन हमारे आए हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ही चटपटे मसालेदार लजीज स्पाइसी प्रॉन्स है भाई, और ये इसके साथ एक सॉस भी दिया हुआ है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस चाहिए तो चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि इनफ है, इसकी ज़रूरत नहीं है इस सॉस के साथ। बारबेक्यू सॉस है, इमली के साथ बना हुआ है, बहुत ही मज़ेदार। और इसी के साथ मैं ये प्रॉन डायनामाइट प्रॉन्स भी ट्राई करता हूँ। प्रॉन टेम्पुरा स्टाइल के ही हैं ये डायनामाइट प्रॉन्स। माय फेवरेट, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके ऊपर सॉस है प्रॉन टेम्पुरा, प्रॉन ग्रिल, प्रॉन किसी भी फॉर्म में हो, आई लव इट, बहुत मज़ेदार भाई। ये हमारे उंजई कबाब हैं जो कि राइस के साथ सर्व किए गए हैं। यहाँ पे एक रायता भी है, और ये मिंट की जो है वो सॉस भी है भाई। राइस जो है ना ये बहुत ही खिले खिले राइस लग रहे हैं, और राइस के साथ उंजई कबाब ये सर्व किए गए हैं, बहुत ही मज़ेदार। रोगनी से चावल नज़र आ रहे हैं मुझको, ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है ना खाना। उंजई कबाब, मटन के कबाब, काजू कीमे के, और राइस के साथ जो इन्होंने ये ना सर्व किए हैं तो बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं यार। बड़ा अच्छा टेक्सचर है, थोड़ा सा रायता, वेरी नाइस। ये चिकन अंगारा, और चिकन अंगारा जो है वो उसके नीचे एक नान के साथ ही सर्व की गई है, और नाम से लग रहा है कि ये होगी ज़रा स्पाइसी।
चिकन अंगारा को भी भाई एक इमली की चटनी और एक मिंट सॉस के साथ सर्व किया गया है। देखने में लग रही थी कि बहुत स्पाइसी होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, काफ़ी जूसी है। थोड़ा मलाई बोटी वाला इसके अंदर टच है, लेकिन हल्की सी स्पाइसी ऑब्वियसली नाम के लिहाज से। थोड़ा सा इस सॉस के साथ भी देखते हैं। सॉस के साथ थोड़ी ज़्यादा चटपटी, मज़ेदार, मसालेदार हो जाती है। इससे ज़्यादा चटपटे जो थे ना, वो एक ग्रिल्ड प्रॉन्स थे, चिकन अंगारा से ज़्यादा। वो भी अपना टेस्ट उसका बहुत अच्छा है, लेकिन ये अगर स्पाइस की बात की जाए तो प्रॉन जो थे वो ज़्यादा स्पाइसी थे। वेरी नाइस। अब मैं टेस्ट करता हूँ भाई, ये जो हमारी बटर बादामी हांडी है। इलेक्ट्रिक लेमनेड। अब इतना सारा माशाल्लाह खाना हो तो आम लेमनेड नहीं भाई, इलेक्ट्रिक लेमनेड चलेगा। पीच जॉय जी, पीच जॉय। और चलो मैं तो ये इलेक्ट्रिक लेमनेड पीऊँगा, भाई हमारे जो है ये पीच जॉय पियेंगे। लेकिन दोनों जो ड्रिंक्स हैं यार, ये आप चेक करें यार, कोई चीज़ अगर देखने में अच्छी लग रही है तो पहली जीत तो यहीं पे हो जाती है। और इलेक्ट्रिक लेमनेड आ गया है तो मेरा थोड़ा जो खाना वाना है ना, वो थोड़ा नीचे चला जाएगा। हाय 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 हाय, मज़ा ही आ गया भाई। अब टेस्ट करते हैं भाई ये बटर बादामी हांडी। बादाम भी इसमें डाले गए हैं, बटर भी इसमें डाली गई है, बोनलेस चिकन, अदरक और धनिया की टॉपिंग की गई है। गर्म गर्म हांडी और इसके साथ ये नान। बटर बादामी हांडी, हर चीज़ जो मैंने अभी तक खाई है ना, माशाल्लाह, नो डाउट A1 क्वालिटी फूड। खाली ऐसा नहीं लग रहा इस हांडी के अंदर कि क्रीम और बटर का ही टेस्ट आ रहा हो, बल्कि बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका, मसालों का। स्पाइसी नहीं है हांडी, ज़्यादा स्पाइसी होती भी नहीं है, और बोनलेस चिकन के साथ बहुत ही क्रीमी, मिल्की, मज़ेदार, लजीज, बादामी, बटरी टेस्ट है इसका। सारी चीज़ें ऐसी हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या छोड़ूँ क्या पकड़ूँ। ये आ गए हमारे तंदूर सिजलिंग कबाब, और ये बिल्कुल फ्रेश फ्रेश अभी ताज़े ताज़े सिजल होते हुए आए हैं। भाई इतनी मज़ेदार चीज़ें थी कि मैं तो उसको भूल ही गया था कि ये भी आना है, तंदूर सिजलिंग कबाब। और बिल्कुल एकदम सिजल होता हुआ आया है ये। ये देखें आप, ये वेजिटेबल्स हैं इसमें, और अनियन, कैप्सिकम, टोमेटो के साथ इसको जो है ना वो टॉस किया गया है हॉट प्लेट के अंदर। तंदूर सिजलिंग कबाब फ्रेश फ्रेश। ये जो कैप्सिकम, अनियन, टोमेटो के साथ इसको इन्होंने ना दोबारा से ट्रीट किया है ग्रिल करने के बाद, तो बहुत ही मज़ेदार इसका रायता इसके अंदर आ रहा है। टोमेटो की वजह से भी, कैप्सिकम की वजह से भी, आम ग्रिल कबाब जो होता है उससे थोड़ा हटके है ये, टेस्ट में भी, प्रेजेंटेशन में भी, और ये भी बड़ा मज़ेदार है भाई, बहुत ही आला। भाई पेट तो मेरा फुल हो चुका है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं थोड़ी थोड़ी सारी चख रहा हूँ। ये हमारा पिंक सॉस पास्ता, और हर खाने की तरह भाई इसकी भी प्रेजेंटेशन जो है ना वो भी बड़ी इम्प्रेसिव है तंदूर रेस्टोरेंट की। ब्रोकली भी मुझे नज़र आ रही है इसमें। पिंक सॉस पास्ता, मज़ेदार है सॉस। अल्फ्रेडो पास्ता की तरह ही है, थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी हल्का सा ये, और ग्रिल्ड चिकन है इसके अंदर भी, जो सिग्नेचर सॉस होता है पास्ता का वो इसमें है, जो कि थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी है, मज़ेदार है। और भाई आखिर में ये हमारी पापलेट फिश, टेस्ट करते हैं। फिश तो भाई मैं ऐसे ही खाता हूँ। पापलेट फिश जो है ना वो मेरी फेवरेट है, और ये भी बड़ी मज़ेदार है, काफ़ी फ्रेश लग रही है। थोड़ा सा इन्होंने इसके ऊपर मसाला लगाया था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ये। प्रॉन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्पाइसी थे सारे मेन्यू के अंदर, और सारी चीज़ें अपनी जगह, नो डाउट, बहुत ही बेहतरीन है। फिश भी बड़ी मज़ेदार है, और मैं चूज़ करूँ अगर इन सब चीज़ों के अंदर, ऐसे तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हुंजई कबाब और ये बादामी हांडी, फिश,
प्रॉन सारी चीज़ें ही हो जाएंगी। नो डाउट यार, बहुत मज़ेदार भाई। ये तंदूर रेस्टोरेंट जो है वो नॉर्थ नवाबाद में ब्लॉक डी में फाइव स्टार चौरंगी के बिल्कुल साथ ही है। आप लोग गूगल पे भी लोकेशन देख सकते हैं। और लंच और हाई टी जो है ना, इनका बफे होता है, अलाकार्ड भी होता है, लेकिन डिनर जो है वो स्पेशली अलाकार्ड है। और ये जो सी फूड है ये सीज़न के हिसाब से है यहाँ पे। इसके अलावा काफ़ी सारे चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल मतलब मेन्यू जो है ना वो ये यहाँ पे इनका ये जो है ना ये QR कोड आप जाके चेक करिए मेन्यू, और तंदूर पे आके मज़े मज़े के खाने इंजॉय कीजिए। बहुत आला फिश तो भाई मज़ा आ गया भाई। सारे खाने के साथ जो है ना वो मैंने इलेक्ट्रिक लेमिनेट तो ख़त्म कर दिया, और ये पीच जो है इतना खूबसूरत लग रहा है देखने में कि इसको पिए बिना मैं रह नहीं सकता। पीच का ज़बरदस्त जायका आ रहा है। पीच जो है नाम से ज़ाहिर है, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक लेमिनेट जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं थोड़ा नींबू का तड़का जो है ना मुझे पसंद है, आप लोगों को पता है, लेकिन ये भी मज़ेदार है, इसको भी ख़त्म करूँगा भाई। इतना मज़ेदार खाना खाने के बाद मीठा ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो आई हमारी ये ज़बरदस्त सी गुलाब जामुन और लोटस केक, गर्मा गर्म मीठी मीठी मज़ेदार गुलाब जामुन बादाम पिस्तों की टॉपिंग के साथ, और ये है भाई लोटस केक, लोटस चीज़ केक लग रहा है मुझे, ये लोटस चीज़ केक है। काफ़ी हैवी है, मज़ेदार है, देसी मीठा भी है, केक्स भी हैं, और भी काफ़ी सारी यहाँ पे वैरायटीज़ हैं डिज़र्ट्स की। ओवरऑल मुझे तो भाई बहुत ही मज़ा आया तंदूर रेस्टोरेंट के ऊपर आके, इतनी ह्यूज वैरायटी हमने आज टेस्ट की, और बहुत सारी चीज़ें तो टेस्ट करना बाकी हैं जो इंशाल्लाह कभी और करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तंदूर पे आइए, मज़े मज़े के खाने इंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पेट फुल हो गया है लेकिन केक मज़ेदार है।